शहर में गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ है। बीते 3 सालों से कोरोना के कारण सभी त्योहारों पर नियमावली थी, मगर इस साल से राज्य सरकार की ओर से कोई भी नियमावली नहीं दी गई है, जिसे पूरे शहर में बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। मगर महाराष्ट्र में ऐसे भी लोग हैं जो कोई भी त्योहार हो वे अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो है पुलिस। बुधवार को शहर में गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि आज हम बड़े ही उत्साह के साथ पूरे 2 साल के बाद ये त्योहार मना रही हैं। मगर हमारी रक्षा के लिए अपने शहर के पुलिस जवान घर पर न रहते हुए अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं। लेकिन पुलिस जवान में कुछ ऐसे हैं जो वो अपनी खुशियां कहीं न कहीं ढूंढ ही लेते हैं। जी हाँ, शहर के पांचपावली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे के नेतृत्व में पुलिस थाना परिसर में ही गणपति बापा की स्थापना की गई है। थाने की ओर से बापा के लिए विशेष सजावट भी की गई है। आमतौर पर हाथ में डंडे लेकर दिखाई देने वाले आज हाथों में पूजा की थाली और आरती की थाली लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंढे से हमारी टीम ने बात की। पुलिस स्टेशन पाचपावली आणि नागपूर पोलिसातर्फे संपूर्ण नागपूर शहरवासियांना गणेश चतुर्थी आणि गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणपतीचा जो उत्सव आहे तो अत्यंत उत्साहाचा, आनंदाचा आणि सगळा उत्साहमय वातावरणाचा असतो। प्रत्येक भारतीय या उत्सवाचा आनंद घेत असतो। त्याचप्रमाणे आम्ही पाचपावली पोलीस स्टेशनलासुद्धा गणपती दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा स्थापना केलेली आहे गणपती बाप्पाची, आणि आम्ही दरवर्षी हेच साकडं घालत असतो आणि बाप्पांना हीच मागणी मागत असतो की या जगातून फक्त पाचपावली पोलीस स्टेशन नागपूर शहर भारत नाही तर या जगातूनच एकंदरीत सगळ्या वाईट प्रवृत्तीचा नाश हो आणि जी गुन्हेगारी वाढत आहे त्याला चाप बसावा आणि सगळे गुन्हेगार योग्य मार्गाला, चांगल्या वळणाला लागावे, सामान्याच्या जीवितांनी मालमत्तेचे रक्षण व्हावं, त्यासाठी आम्हाला गणपती बापांनी भरपूर हत्तीचं बळ द्यावं, हीच आम्ही गणपती बापाला मागणी घातलेली आहे। गौरतलब रहे की इस दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने सभी नागपुरवासियों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बापा से प्रार्थना करता हूं कि इस देश से गुन्हेगारी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, साथ ही गुन्हेगारों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।